सो दोस्तों देखिए, थौरी की तस्वीर बदल गई है फोर लाइन रोड बनने की वजह से। ये देखिए, ये जो रोड आप देख रहे हैं ये जगदीशपुर को इधर जाएंगे और हलियापुर होते हुए कुमारगंज जाने के लिए ये रास्ता है। इधर आप जाएंगे पीपल के रास्ते। अच्छा सुनो, अपने दोस्त के लगे फोन मिलाओ। ये वाला रास्ता कहाँ का है? अढ़नपुर, यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है। भैया बच्चू लाल भैया की दुकान पहले यहाँ रहती थी, लेकिन अब तोड़ फोड़ के इसको, ये देखिए कादू नाला 9.300, ये पीपल का पेड़ है थौरी चौराहा पे। अब ये पता नहीं फोर लाइन में बने अरे बचेगा या नहीं, वैसे तो शायद बच जाना चाहिए। तो और इधर देख लीजिए भैया, पिछली वीडियो में जब मैंने बनाया था एक साल पहले तो बहुत दुकानें थी, लेकिन अब देखिए एकदम मैदान हो गया। ये देखिए पूरी तरह टूट गया थौरी चौराहा। और ये जब तक फोर लाइन कार्य निर्माण ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक इसी तरह कंडीशन रहेगी। अभी हम हैं भैया ब्रजेश देसी चाट एवं समोसा कॉर्नर के पास। नाना प्रकार के नाश्ता यहाँ पे बनता है। ये देखिए, तो कहाँ भैया? बड़े भाई, एक जानकारी हम अपने सब्सक्राइबरों को देना चाहते हैं आपके माध्यम से। बताइए क्या मतलब ये पीपल का पेड़ जो है थौरी चौराहा पे, बरगद का, बरगद का है, बरगद का, सॉरी सब्सक्राइबर, तो ये बरगद का पेड़ बचेगा कि फोर लाइन रोड में टूट जाएगा? अभी तो इसका पता नहीं, क्योंकि एक 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 पेड़ ऐसा था संगम ढाबा पे तो उसको तो मतलब उखाड़ दिया गया, तो ये वाला बचेगा कि मतलब कैसे जानकारी है आपको? 100% में 99% जो है इसको जाने का संभावना है। जी जी, 1% है कि नहीं जाएगा। अच्छा, ये मतलब अभी आदमी संदेह में है, कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। तो ये देखिए, अच्छा ये जो सामने रोड गया है पीपल के रास्ते, अरे बरगद के रास्ते, ये कहाँ को गया है? ये थौरी मार्ग कादूनाला वाला, कादूनाला, हाँ तो ये कादूनाला को गया है। अच्छा ये कितना है? कादूनाला होके मुसाफिर खाना। कितने किलोमीटर है कादूनाला? 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर जो है कादूनाला है। जी जी जी, उसके बाद 6 किलोमीटर जो है वो मुसाफिर खाना है कादूनाला से। 6 किलोमीटर, अच्छा। और यहाँ से कुमारगंज की दूरी कितनी है? 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर। जगदीशपुर ग्यारह। आपका शुभ नाम? ब्रजेश कुमार। तो दोस्तों थौरी चौराहा पे कभी भी आइएगा, ब्रजेश कुमार भाई के यहाँ चाट टिक्की समोसा खाइएगा। और काफ़ी अच्छी जानकारी दी।